इस साल 2022 के अंत में और 23 में कई बड़े राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं और फिर साल 2024 में तो लोकसभा चुनाव हैं ही। ऐसे में असल मुद्दों से दूर देश के भीतर एक बार फिर मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढ निकालने की कवायद तेज हो गई है। इस बार बारी है बनारस में बनी ज्ञानवापी मस्जिद की। आपको मालूम है कि बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि के अलावा किसी भी धार्मिक स्थल को लेकर कोई नया विवाद खड़ा न हो, इसके लिए सन 1991 में हमारी संसद द्वारा उपासना स्थल अधिनियम बनाया गया था। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद को भी इससे अलग सिर्फ इसलिए रखा गया था क्योंकि ये मामला पहले से अदालत में था। तो आपको बताते हैं कि क्या है ये उपासना स्थल अधिनियम और ये किस तरह इस तरह के बात और विवाद को प्रतिबंधित करता है। इस अधिनियम में वर्तमान में केवल 7 धाराएं हैं। मूल रूप से 8 धाराएं थीं, लेकिन धारा 8 को 2001 में एक संशोधन द्वारा रद्द कर दिया गया था। ये कानून कहता है कि भारत में 15 अगस्त 1947 को जो धार्मिक स्थल जिस स्वरूप में है वो वैसा ही रहेगा, उसमें किसी तरह का कोई बदलाव नहीं किया जा सकता। उपासना स्थल कानून ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह समेत देश के सभी धार्मिक स्थलों पर लागू होता है। इस कानून का सेक्शन 3 कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग के पूजा स्थल के स्वरूप में किसी तरह का परिवर्तन नहीं कर सकता। इस अधिनियम की धारा 2 के अनुसार किन स्थानों को धार्मिक स्थलों की श्रेणी में रखा जा सकता है? एक मंदिर, गुरुद्वारा, गिरजाघर, मठ अथवा अन्य कोई भी जन धार्मिक स्थल जो किसी भी धर्म या संप्रदाय का हो या जो किसी भी नाम से जाना जाता हो। इसी कानून के सेक्शन 4(1) में लिखा है, यह घोषित किया जाता है कि 15 अगस्त 1947 को मौजूद उपासना स्थल का धार्मिक स्वरूप वैसा ही बना रहेगा जैसा वह उस दिन था। इसी कानून के सेक्शन 4(2) में लिखा है, यदि इस अधिनियम के लागू होने पर 15 अगस्त 1947 को मौजूद किसी उपासना स्थल के धार्मिक स्वरूप में परिवर्तन के बारे में कोई वाद, अपील या अन्य कार्रवाई किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष लंबित है तो वह रद्द हो जाएगी और ऐसे किसी मामले में कोई वाद, अपील या अन्य कार्रवाई दोबारा से किसी न्यायालय, अधिकरण या प्राधिकरण के समक्ष शुरू नहीं होगी। इस कानून के सेक्शन 5 के तहत अयोध्या विवाद को इससे अलग रखा गया क्योंकि यह मामला आजादी से पहले अदालत में लंबित था। इसका एक और अपवाद वो धार्मिक स्थल हो सकते हैं जो पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के अधीन आते हैं और उनके रखरखाव के काम पर कोई रोक टोक नहीं है। अधिनियम की धारा 3 ही इसका मुख्य उद्देश्य है। धारा 3 ही धार्मिक स्थलों के परिवर्तन पर प्रतिबंध लगाती है। इस धारा में परिवर्तन का अर्थ बहुत व्यापक माना गया है। किसी धार्मिक स्थल का परिवर्तन 2 तरह से किया जा सकता है जिसे ये अधिनियम रोकता है। पहला, यदि किसी धार्मिक स्थल का परिवर्तन किसी अन्य धर्म के रूप में हो। दूसरा, यदि किसी धार्मिक स्थल का परिवर्तन उसी धर्म के अन्य पंथ के द्वारा ही हो तब भी ये अधिनियम लागू होगा। इसको उदाहरण से समझते हैं। यदि एक ऐसा हिंदू मंदिर हो जिसकी पूजा पद्धति और प्रबंधन आर्य समाज द्वारा हो तो उस मंदिर को सनातन मतावलंबी एक सनातनी मंदिर के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कृत्य अधिनियम की धारा 3 के विरुद्ध है। वैसे ही इस्लाम में इमामबाड़ा जो कि केवल शियाओं का पूजा स्थल होता है उस पर नियंत्रण भी शिया मुसलमानों का ही रहेगा और वो अपनी आस्था के अनुसार उसमें व्यवस्था और प्रबंध सुनिश्चित कर सकेंगे। सुन्नी मतावलंबी ऐसे इमामबाड़े को एक मस्जिद के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते। इस कानून में दंड का प्रावधान अधिनियम की धारा 6 में धारा 3 के उल्लंघन को दंडनीय बनाया गया है जिसके तहत यदि कोई व्यक्ति किसी भी धार्मिक स्थल का परिवर्तन करता है तो उसे 3 तक का कारावास भुगतना पड़ सकता है। इसके अलावा उस पर आर्थिक दंड भी लगाया जाएगा। धारा 6 के अंतर्गत आपराधिक प्रयास और दुष्प्रचार को भी दंडनीय बनाया गया है। साल 1991 में उपासना स्थल कानून बनने के बाद ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के लिए अदालत में याचिका दायर की गई थी। याचिका दायर करने वाले 3 लोग थे जिनमें हरिहर पांडे अभी जीवित हैं,
जबकि सोमनाथ व्यास और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के प्रोफेसर रहे राम रंग शर्मा की मृत्यु हो चुकी है। मुकदमा दाखिल होने के कुछ दिनों बाद ज्ञानवापी मस्जिद प्रबंधन कमेटी ने उपासना स्थल कानून 1991 का हवाला देकर सर्वे के आवेदन को रद्द करने की मांग की थी, जिस पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साल 1993 में स्टे लगाकर यथास्थिति कायम रखने के आदेश दिए थे। फिर 2017 में हरिहर पांडे दोबारा से वाराणसी सिविल कोर्ट पहुंचे। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने किसी दूसरे मामले में रूलिंग दी थी कि कोई भी स्टे ऑर्डर 6 महीने से ज्यादा वैध नहीं हो सकता, 6 महीने के बाद स्टे ऑर्डर का रिन्यू किया जाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट की इसी रूलिंग को आधार बनाकर हरिहर पांडे ने ज्ञानवापी के स्टे ऑर्डर की वैधता पर सवाल उठाया। वे साल 2019 में वाराणसी सिविल कोर्ट में फिर से याचिका लेकर पहुंचे। इस मामले में सुनवाई शुरू हुई और इसी सुनवाई के बाद मस्जिद परिसर के पुरातात्विक सर्वे को मंजूरी दी गई, लेकिन मस्जिद पक्ष दोबारा से 1991 कानून को आधार बनाकर हाईकोर्ट पहुंचा और इस सर्वे पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी। हरिहर पांडे वाली याचिका अब भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में है और उस पर कोई कानूनी निर्णय नहीं हुआ है। साल 2020 के अक्टूबर में भाजपा नेता और वकील अश्विनी उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके 1991 के उपासना कानून की संवैधानिक वैधता पर सवाल खड़े कर दिए। इसी दौर में इसी से मिलती जुलती एक याचिका लखनऊ स्थित विश्व भद्रा पुजारी पुरोहित महासंघ ने भी दायर की। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों याचिकाओं पर अलग अलग सुनवाई कर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था, लेकिन अभी तक कोई जवाब दाखिल नहीं हुआ है। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट ने दोनों याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करने का फैसला किया है। 18 अगस्त 2021 को 5 महिलाओं ने बनारस की एक अदालत में नई याचिका दाखिल की। इन महिलाओं का नेतृत्व दिल्ली की रहने वाली राखी सिंह कर रही हैं, जबकि 4 अन्य महिलाएं बनारस की निवासी हैं। इन महिलाओं की मांग है कि काशी विश्वनाथ धाम ज्ञानवापी परिसर स्थित श्रृंगार गौरी और विग्रहों को 1991 की पूर्व स्थिति की तरह नियमित दर्शन पूजन के लिए सौंप दिया जाए, आदि विश्वेश्वर परिवार के विग्रहों की यथास्थिति रखी जाए। अपनी याचिका में इन महिलाओं ने अलग से अर्जी देकर ये मांग भी की थी कि कोर्ट एक अधिवक्ता आयुक्त यानी एडवोकेट कमिश्नर की नियुक्ति करे जो इन सभी देवी देवताओं की मूर्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करे। इसी मांग को पहले जिला अदालत और बाद में हाईकोर्ट दोनों ने सही ठहराते हुए मस्जिद परिसर के निरीक्षण की कार्रवाई को मंजूरी दी और अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है।